बहुत ही शुभ अवसर है। आज श्री मान हेमंत जी सुभानी ने बताया कि पदमपुर भगवान का जो जन्म कल्याण हम शुक्ल पक्ष में मनाते हैं वो कृष्ण पक्षी है, और आचार्य श्री सिंह ने बात भी की। एक बहुत शुभ अवसर है कि जो मैं पदमपुरा में उपस्थित हुआ तो बहुत से लोगों को, हमारे यहाँ श्रेष्ठजनों को बताया है कि हमारी एक जैन दिगंबर रानी हुई थी जिसका नाम था महान वीरांगना अबक्का रानी, जो 40 साल तक विदेश में लड़ी। इसके बारे में तथ्य जुटला की किताब मैंने निकलाई और किताब की प्रति भेंट कोडाई साहब को, हेमंत जी सोमानी को भी प्रति भेंट की, और वसुंधरा राजे जी ने बहुत इसका अप्रिशिएट किया और इसको अच्छी तरह से हाईलाइट हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष से इसका पहले विमोचन कराया गया। इसके बाद अभी चारू कीर्ति जी बहुत प्रसन्न हुए इसको देख के, 15-16 फोटो इसके साथ खिंचवाई, क्योंकि उनको तो इस बारे में पहले से जानकारी है क्योंकि वो कर्नाटक की थी। एक्चुअली वहाँ कोई रानी अद्वितीय काम करता है कोई महिला, तो वहाँ इस रानी के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। कर्नाटक में इसको देवी की जैसे पूजा जाता है। इसका नाम महान वीरांगना अब्बक्का रानी था। कम से कम इसकी किताबें जो 150 किताबें हमने प्रति भेंट करी, चैत्य सागर जी महाराज, अन्य महाराज और ज्ञानवती माता जी के यहाँ चन्नावती माता जी ने इसका एक वीडियो भी जारी कर दिया कि इस पर कार्यक्रम हो, फिल्म बने, वर्कशॉप हो, अच्छे से कार्यक्रम हो। तो फिल्म बनना कोई आसान काम नहीं है, छोटी फिल्म तो बन जाती है। हमने कई छोटी फिल्में बनाई, विद्यासागर जी ने भी शॉर्ट फिल्म बनाई और ग्लोबल वार्मिंग में बनाई, लेकिन ये अबक्का रानी जो हुई है ये बहुत बड़ा फिल्म का कार्यक्रम है। और आज चूँकि आपके हाथ पूजा भगवान के विधान करके आए हैं, हेमंत जी सोमानी एक बहुत बड़े वकील साहब हैं और कोटाई साहब वास्तु भी तो बहुत बड़े, और आज इनके शुभ हाथों से इसके ऊपर दो शब्द कि समाज जो हमारा सो रहा है, अधिकतर लोग जान नहीं रहे कि हमारे जैन ही इतने महान हुए हैं जैसे चंद्र मौर्य, तो ये जो 16वीं शताब्दी में रानी हुई कि जिसका पहला संघर्ष हुआ और 40 साल लड़ नहीं सकती। जब मैं विद्यासागर जी महाराज के गए तो योग सागर जी महाराज, संभव सागर जी ने इसके बारे में और थोड़ी जानकारी दी कि ये जो अग्निबाण चलाती थी, तो मैंने भी तथ्य लिखे किताब में कि अग्निबाण चलाने वाली अंतिम ज्ञात व्यक्ति है, तो 40 साल विदेश में लड़ ही सकता हूँ। तो मैं इसके बारे में महान वीरांगना अबक्का रानी बारे में साहब और महाराज जी आवाज़ अबक्का रानी के विषय में, सबसे पहले तो महावीर जी सोनी ने हमारी जानकारी में इस बात को लाए कैसी वीरांगना भी हमारे समाज में हुई है, और इनके बारे में कहा जाता है कि अग्निबाण छोड़ने में माहिर थी, और ये तो मुझे याद नहीं उसके बाद किसी ने चलाया कि नहीं चलाया, लेकिन इनके विषय में तो जाने से पता लगता है कि इस तरह के अस्त्र ये चलाती थी और देश के लिए अपने 40 साल तक अपनी कुर्बानी भी दी इन्होंने, और ये बहुत महान थी इनके प्रति। महान वीरांगना अबक्का रानी के बारे में अभी महावीर जी सोनी साहब ने, राजकुमारी कुंडारी साहब ने बात रखी। ये एक अनूठा प्रयास है कि जैन समाज की जो विभिन्न विभूतियां हुई हैं जिन्होंने जैन ध्वज को आगे तक फहराया है, ऐसे देश के जो जैन मत के मानने वाले व्यक्ति हैं उनके इतिहास को संयोजित करना और उनको सबके सामने प्रस्तुत करने का जो प्रयत्न है वो अत्यंत अनुकरणीय है। आज पद्मपुर भगवान के जन्म तप कल्याण के इस पावन अवसर पर हमें ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए महावीर जी सोनी को बहुत बहुत धन्यवाद।